हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ये सीख रहे कि इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो कैसे सॉल्व करें, राइट। तो पहले क्वेश्चन देख के समझते कि दिया क्या, करना क्या है। तो अपने को पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है, इधर नेट प्रॉफिट दिया है और एडजस्टमेंट दिया है। तो सैलरी दिया 2,40,000, पच्चीस से 1,50,000। वर्किंग पार्टनर है रवि और वर्किंग पार्टनर, कभी भी देखने का वर्किंग है कि नॉट वर्किंग है। इंटरेस्ट 60,000 भरा, 20%, मतलब 12% रूल है पार्टनरशिप डिप्लीकेट डीड के हिसाब से, 8% एक्स्ट्रा भरा और कैश पेमेंट किया है और इधर अदर सोर्स भी दिए, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अपनों को क्या निकलने का, पार्टनरशिप का प्रॉफिट ये निकलना है, रेम्यूनरेशन सो एंड सो। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नेट प्रॉफिट इस पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, जो भी एक्सपेंस डिसअलाउ ऐड होगा, इनकम डिसअलाउ भी दिया, राइट। इसके पहले वाले सब में इनकम डिसअलाउ नहीं दिया था, इसलिए डैश मारा था, अभी इसमें दिया है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 3 लाख। तो 3 लाख को आप क्या करेंगे, एस इट इज इधर लिख देंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट एकदम इजी हो जाएगा तुम्हारा। ये लिखो एक्सपेंस डिसअलाउ, तो एक्सपेंस डिसअलाउ में क्या दिया बच्चे लोग, पार्टनर सैलरी दिया, राइट। इधर लिख सकते हैं आप लोग रेम्यूनरेशन है ना टू पार्टनर, तो कितना दिया है, 1.5 लाख और 60,000, मतलब ये वेजेस है जो दिया, इसमें तो ये अमाउंट का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा रेम्यूनरेशन, एकदम अच्छी राइटिंग में लिख दो, किसको दिया है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ओके, तो कौन कौन पार्टनर है, एक रवि है, ओके, और एक किरण है। तो इसका 1.5 लाख दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, और इसका कितना दिया है, 60,000। ओके, 1.5 लाख और 60,000, तो इसका टोटल डालेंगे तो बाहर 2,10,000 आ जाएगा, ठीक है, एक साथ ही ऐड कर देंगे तो भी अमाउंट तुम्हारा इजी होगा। फिर इसके बाद क्या बोला इधर, मान लो इंटरेस्ट दिया है 60,000 भरा और 20% इंटरेस्ट, तो फिर आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा वो भी अलग से लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्सेस इंटरेस्ट अलाउ, क्या लिखेंगे, एक्सेस इंटरेस्ट अलाउड है ना। अभी अपनों को सॉल्व करना पड़ेगा यार, तो जैसे इसके पहले करा था अभी इसका इसका भी करा देता, राइट। तो इंटरेस्ट कितना दिया है, 60,000 20%, मतलब 60,000 दिया है 20% का, और रूल कितना है, 12% का। तो 12% का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 60 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और 20 से डिवाइड करना है। तो अपने को कितना आंसर देगा, कैलसी, 60 × 12 / 20 आया 36,000, मतलब 12% का होता है 36,000, और उसने भरा 20%, ये पेड है, ये रूल है ना। तो एक्सेस कितना भरा, ज़्यादा कितना भरा, 20 में से 12 गए तो 8% ज़्यादा भरा, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो 24,000 ज़्यादा भरा, तो 8% का कितना आया, 24,000। तो ये 24,000 अपने को क्या करना पड़ेगा, मान में इधर शो करना पड़ेगा, एक्सेस इंटरेस्ट अलाउड है ना, कितना एक्सीड है वो, एक्सीडिंग 12%। तो सॉल्व करके अपना कितना आंसर आया, 24,000। अंदर लिखना अंदर लिखो, बाहर लिखना बाहर लिखो, अपन एक साथ ये ऐड कर लेंगे, राइट, 24,000। फिर इधर एक क्या दिया आपको याद रखने का है, उन्होंने परचेस किया था 1 बिल 1,25,000, इधर एक वर्ड बोला मेड बाय कैश, मतलब ये कैश पेमेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, कैश पेमेंट। तो जो भी कैश पेमेंट रहेगा ना वो एक्सपेंस डिसअलाउ में आएगा, याद रखना, कैश पेमेंट रहेगा किस में आएगा, एक्सपेंस डिसअलाउ में, वो पूरा 100% डिसअलाउ है, कैश पेमेंट 100% डिसअलाउ है। उन्होंने कितना कैश भरा, 1,25,000। ओके, अब इसको ऐड करके क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, राइट, इसको ऐड कर देंगे तो तुमको 6,59,000 मिलेगा, ये एक अमाउंट आया। ओके, फिर इनकम डिसअलाउ क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो इनकम डिसअलाउ देखो क्वेश्चन में कहा दिया है, और कोई एक्सपेंस नहीं दिया है जो डिसअलाउ है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया है। अब सबसे पहले इधर क्या दिया है, इधर दिया है डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन, इंटरेस्ट ऑन FD, ये सब तीनों क्या है, इनकम डिसअलाउ है, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा। एक तो इसको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, ओके, कहाँ से मिला है, UTI से, और एक डिविडेंड मिला है, UTI वाला तो यूनिट ट्रस्ट, एक डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से, आपको सेम नाम लिखने का है। असली मजा नीचे बुक प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन समझाता हूँ। एक FD मिला है बैंक ऑफ इंडिया, तो 19,000, ओके, 19 गिवन, 50,000 है और 50,000 है, ये क्वेश्चन में दिए है, ओके, कॉपी पेस्ट कर देने का, राइट। ये क्या हो गया, इनकम डिसअलाउ, तो इसका टोटल आया 1,19,000, कितना है, 1,19,000। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम डिसअलाउ क्या होगा, लेस होगा, 651 में से 1,19,000 का है तो तुमको प्रॉफिट बुक मिलेगा, कितना मिलेगा मालूम है, 5,40,000, कितना मिला, 5,40,000। अब ये जो 5,40,000 है ना, उसको बुक प्रॉफिट में नीचे लिखने का टोटल, और इधर लिखने का ऑन फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख लिखने का, और 5,40,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे तो आपको 2,40,000 मिलेगा, तो बैलेंस कितना आएगा, 2,40,000। फिर
इधर 90% लेने का रहता है और इधर कितना लेने का एक्सेस 3 लाख के एक्सेस के ऊपर 60% लेने का, राइट। तो 3 लाख पे 90% निकालेंगे तो 2 लाख 70 आ जाएगा रेम्यूनरेशन, और 2 लाख 40 पे 60% निकालेंगे तो 144 आएगा। लेट मी चेक, 2 लाख 40 के ऊपर 144% है ना, 2 लाख 40 के ऊपर 60%। अरे बंटी क्या हो रहा है, हाँ 1 लाख 44 आया, कितना है 1 लाख 44। तो टोटल रेम्यूनरेशन ऐड करने के 4 लाख 14 हज़ार। अभी करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे रेम्यूनरेशन अलाउबल, तो कितना रेम्यूनरेशन अलाउ है, तो रेम्यूनरेशन एज पर पार्टनरशिप डीड है ना, तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसने कितना रेम्यूनरेशन मिला पहले वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कितना दिया था रेम्यूनरेशन मिला के, इसको ऐड कर देंगे 2 लाख 10, ये 2 लाख 10 पेड है, ठीक है। अभी एज पर सेक्शन 40B रूल के हिसाब से ना, अकॉर्डिंग टू दी रूल, रूल के हिसाब से कितना आया 4 लाख 14 हज़ार, 4 लाख 14 हज़ार। ये दोनों अमाउंट लिखने का, और दोनों में कौन सा उठाने का, जो लेस है जो छोटा है वो आएगा रेम्यूनरेशन अलग है, छोटा कौन है 2 लाख 10, ओके ये 2 लाख 10 आएगा। तो बड़े वालों को नहीं लेने का, छोटे वालों को क्या करेंगे अलाउबल में डालेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन क्या है इसको रिपीट करके देख लेंगे तो आ जाएगा। इसमें से ये क्या कर देंगे, 5 लाख 40 में से 2 लाख 10 क्या कर देंगे माइनस करेंगे तो 3 लाख 30 आएगा। ये 3 लाख 30 क्या है, तुम्हारा टैक्सेबल इनकम है, क्या ये इस पर इतना इसके ये इनकम पे टैक्स लगेगा, कितना परसेंट टैक्स लगेगा 31.2%। इसको बोलेंगे टैक्स ऑन बिजनेस इनकम, मतलब ये इनकम टैक्स है और प्लस हायर एजुकेशन सेस, तो 31.2%। इसके ऊपर 31.2% मारेंगे तो 1,02,960 आ जाएगा, 1,02,960, बस ऐसा सम सॉल्व करने का था तुमको। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सम आते रहेंगे, अपन को लड़ाई करता रहना पड़ेगा, तो जैसा आएगा मैं वैसे कराते रहूँगा। तो इस तरह तुमको सबको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाकी को भी सब करा दिया, यू कैन सी, ओके थैंक यू।